तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डीओई की तरफ से प्रोवाइड किए गए क्लास नाइन्थ के लिए वर्कशीट को, जो कि 29 अगस्त 2024 डेट के लिए है, दोनों मीडियम में एक साथ। इससे पहले कि क्वेश्चन ऑफ द डे की वर्कशीट अपलोड है, अगर आपने नहीं देखा तो कमेंट में प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी, ओपन करके देख लो। साथ में लास्ट सेशन की सभी वर्कशीट असेसमेंट दोनों मीडियम में देखकर तैयारी कर सकते हो, ऑल चैप्टर। और साथ में सेशन 2024-25 में जितनी वर्कशीट और असेसमेंट डीओ की तरफ से प्रोवाइड की गई उसका भी सॉल्यूशन अपलोड है, कमेंट में प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी, देख लो और तैयारी कर लो। लास्ट सेशन के मिड टर्म पेपर के लिए ऑल सब्जेक्ट दोनों शिफ्ट के कमेंट में प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी, अलग से देखकर तैयारी कर सकते हो, तो कर लेना, क्वेश्चन पे आ जाओ, ठीक है। सबसे पहले आसन्न कोण की परिभाषा देखो, लिखा जब दो कोणों में एक शीर्ष तथा एक भुजा उभयनिष्ठ हो तो वे आसन्न कोण कहलाते हैं। दी गई आकृति में एंगल वन व एंगल टू, फिर यहाँ पर लिखा डैश कोण है, कौन से कोण है, यहाँ पर डायग्राम देख सकते हो। इस प्रकार से आसन्न कोण होता है, तो यहाँ पर आपको फिल करना है बच्चों क्या, आसन्न, तो यहाँ पर आप लिख दो आसन्न। ठीक है, ये क्लियर है, इंग्लिश में देख लो पहले। सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ एडजेसेंट एंगल्स, टू एंगल्स दैट शेयर ए कॉमन आर्म एंड वर्टेक्स आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल्स। सो इन द गिवन फिगर एंगल वन एंड एंगल टू आर डैश एंगल्स, यहाँ पर आप देख सकते हो ये कौन से कोण है, आसन्न कोण है। तो यहाँ पर आपको क्या फिल करना होगा, सबसे पहले एडजेसेंट, ठीक है। ठीक है, ऐसे ही फिल कर लेना, ओके, यहाँ से देखकर। इसके बाद में लीनियर पेयर के बारे में बताया गया, लीनियर पेयर क्या होता है, यानी कि रैखिक युग्म। वेन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री दे फॉर्म ए लीनियर पेयर, ठीक है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन देख लो, इसमें लिखा चेक योर अंडरस्टैंडिंग, आइडेंटिफाई द लीनियर पेयर फ्रॉम द गिवन फिगर्स एंड इनसर्कल द करेक्ट ऑप्शंस। तो लीनियर पेयर के लिए आपको ध्यान रखना, सबसे पहले तो एक स्ट्रेट लाइन होगी, ऐसे भी बन सकता है या फिर ऐसे भी बन सकता है या फिर ऐसे भी बन सकता है, ठीक है। दो एंगल भी ऐसे निकल सकते हैं, उससे मतलब नहीं है, लेकिन मेन चीज़ क्या है कि इनका सम 180 निकलेगा, यानी 180 ही निकलेगा, ठीक है, तभी लीनियर पेयर बनेगा, ये चीज़ ध्यान में रखना, ठीक है। तो ये रॉन्ग है, ए ऑप्शन नहीं है, बी भी रॉन्ग है, ये भी नहीं है, आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। कैसे, यहाँ पर देखो स्ट्रेट लाइन है, ये 105 है और ये 75, दोनों को प्लस करो कितना निकलेगा, 180, और 180 होना चाहिए, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन में, ठीक है। ऐसे ही आप बना लो और यहाँ पर सर्कल लगा लेना, ठीक है। हिंदी में देख लो, हिंदी में भी सेम, सबसे पहले रैखिक युग्म देखो, जब दो आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो उन्हें कोणों का रैखिक युग्म कहा जाता है। अपनी समझ की जांच कीजिए, निम्न आकृतियों में से रैखिक युग्म को पहचान कर सही विकल्प पर गोला लगाइए, ठीक है। तीन ऑप्शन है, का, खा एंड गा, तो आपका ये नहीं है, रोंग है, खा भी नहीं है, आपका गा ऑप्शन राइट है, ठीक है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है और इन दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा, ये चीज़ ध्यान में रखना, ठीक है। तो यहाँ पर आपका गा ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसी के साथ ये वर्कशीट कंप्लीट है, कहीं पर कोई डाउट है कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।